लॉकडाउन 4 लागू होने के बावजूद भी प्रवासी मजदूरों का दूसरे राज्यों से पैदल आने का सिलसिला लगातार जारी है। पटना के 0 माइल 4 लेन पर दूसरे राज्यों से प्रवासी मजदूर पैदल व साइकिल चलाकर पहुंच रहे हैं, जहां पटना जिला प्रशासन के तरफ से प्रवासी मजदूरों को खाने पीने का इंतजाम किया जा रहा है। वहीं पटना सिटी SDO राजेश रोशन द्वारा सभी मजदूरों को खाना पानी देकर बस द्वारा दानापुर भेजा जा रहा है, जहाँ मजदूरों का मेडिकल जाँच के बाद उन्हें बस के द्वारा उन्हें घर भेजा जाएगा। पटना के 0 माइल 4 लेन पर पहुंचे प्रवासी मजदूरों का कहना था कि राजस्थान हरियाणा समेत कई राज्यों से पैदल चलकर वे पहुंच रहे हैं। वहीं राजस्थान से साइकिल चलाकर पहुंचे 3 प्रवासी मजदूर, जहां वो बताए कि राजस्थान में किसी प्लास्टिक फैक्ट्री में वो काम करते थे और लॉकडाउन होने से फैक्ट्री मालिक ने मजदूरों को निकाल दिया, जिससे कई मजदूर पैदल ही चलकर अपने घर के लिए निकल पड़े हैं। वहीं 3 मजदूरों ने साइकिल खरीद कर दिन रात चलकर 8 दिन के बाद पटना पहुंचे हैं, फिर भी इनका सफर अभी लगातार जारी है, क्योंकि इनको अभी और साइकिल चलाकर अपने घर मुजफ्फरपुर तक सफर तय करना है। एक तरफ राज्य सरकार से लेकर केंद्र सरकार दावा कर रही है कि प्रवासी मजदूरों को लाने के लिए ट्रेन से लेकर बस की व्यवस्था की गई है, तो वहीं सैकड़ों की तादाद में पैदल यात्रा कर पहुंचने वाले मजदूरों ने बताया कि साधन नहीं मिलने के कारण उन्हें पैदल और साइकिल के सहारे ही अपने गंतव्य तक पहुंचना पड़ रहा है। साधन कुछ भी नहीं है, चल रहे हैं 6 दिन हो चुका। अभी यहाँ पर क्या प्रशासन द्वारा क्या कर रहे हैं? खाना दिए हैं, अब यहाँ से भेजने के लिए तैयारी बना रहे हैं। कहाँ जाना? नालंदा जिला बिहार से। हम लोग हरियाणा से आ रहे हैं और 6 दिन पर यहाँ पटना पहुँचे हैं। क्या चीज से पहुँचे? ऐसी पैदल यात्रा कर रहे हैं। अच्छा, पटना पहुँचे हैं, क्या व्यवस्था यहाँ पर? पटना पहुँचे तो हम लोग पुलिस कर्मियों ने द्वारा हमको खाना उना सब मिला, पानी भोजन हुआ अभी तक, और हम लोग के जाने के लिए बस चाहिए गाड़ी, साधन कोई। कहाँ जाना है आपको? नालंदा जाना है। कितने लोग एक साथ आए? 19 आदमी है। 19 आदमी पैदल ही आए? पैदल ही आए वहाँ से। कोई साधन वगैरह नहीं मिला? साधन कुछ नहीं मिला वहाँ से। अभी यहाँ से प्रशासन क्या कह रहा है? कह रहा है कि यहाँ से साधन मिलेगा, रुको, खाना उना खा लो, आराम से रहो, हम साधन देता है यहाँ से। भूखा नहीं हो, उसको खाना देना है, पानी देना है, उसको घर तक पहुंचाने के लिए बस की भी व्यवस्था की गई है। तो बस अभी 2 बस आ रही है, इन 2 बसों से सारे लोगों को अपने अपने जिला के लिए दानापुर केंद्र पर भेजा जाएगा, और वहां से हर जिला की बसें जा रही हैं, जहां सुरक्षित इनको अपने घर तक पहुंचाया जाएगा।